काला चश्मा जचता है सोने मुखड़े पे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं मेरे सभी मित्र? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं संजना साइमन एक बहुत लंबे गैप के बाद फिर से आज एक वीडियो बना रही हूँ, और आज का दिन बहुत स्पेशल है मेरे लिए, इसलिए स्पेशल तरीके से वीडियो बना रही हूँ। और ये मैंने गॉगल अभी कुछ दिन पहले ही परचेस करा है लाजपत नगर मार्केट न्यू दिल्ली से। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है और मेरे फेस पे कैसा सूट कर रहा है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने गॉगल लगा के वीडियो क्यों बनाई, ऐसा क्या खास है आज के दिन। तो आज के दिन खास ये है कि आज के दिन मैं इस पृथ्वी लोक पे अवतरित हुई थी, मैं इस दुनिया में आई थी। तो आसान शब्दों में आज मेरा जन्मदिन है, तो आप सब लोग मुझे सर्वप्रथम जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि ईश्वर मुझे खुश रखे, स्वस्थ रखे और मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए। तो संजना साइमन आप सब लोगों को अपने बर्थडे की जानकारी दे रही हैं और अपनी ज़िंदगी की बहुत अच्छी खुशी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ जो कि मेरे जीवन में कुछ खास लोग हैं जिनका मैं आज जिक्र करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा जन्मदिन है। और जब मैं फ्लैशबैक में जाती हूँ अपने जीवन में, तो मैं ये देखती हूँ कि कुछ लोग मेरी ज़िंदगी में वाकई में फरिश्ते बन के आए, जिन्होंने मेरी बहुत मदद करी, समय समय पर मेरी मदद करी और मुझे सच में गलत बातों में पढ़ने से रोक लिया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ सभी लोगों का जो कि मेरे जीवन में आए हैं अब तक। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ YouTube चैनल का, YouTube इस प्लेटफॉर्म का, जिसकी वजह से मुझे आप जैसे इतने प्यारे प्यारे प्रशंसक मिले हैं, दोस्त मिले हैं। आप में से कुछ लोग सच में मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज करके मेरे फ्रेंड्स बने हैं और मुझसे मिलने दिल्ली आते हैं। तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ और मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सब लोगों के प्यार का और इतनी प्यारी ज़िंदगी देने का। दोस्तों, ट्रांस वूमेन की लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, लेकिन उन सब दिक्कतों के बाद भी हम कामयाब हो सकते हैं यदि हमें हमारे परिवार का समर्थन मिलता हो और हमने अपनी तालीम मुकम्मल करी है, या फिर हमारे हाथ में कोई भी ऐसा हुनर है जिससे कि हम अपनी रोज़ी रोटी कमा सकते हैं। अगर आपके पास में ये सब चीज़ें हैं तो यकीनन आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा खूबसूरत ज़िंदगी किसी की भी नहीं है। मैं याद करती हूँ उन पलों को जबकि मैं ट्रांसफॉर्मेशन से पहले, सर्जरी से पहले जब मैं अपना बर्थडे मनाती थी, तो क्योंकि दोस्त थे, सोनिया जी थी और बहुत सारे मेरे और फ्रेंड्स थे, तो बहुत खुश तो रहती थी, लेकिन वो जो एक अंदरूनी खुशी होती है जो मैं आज महसूस कर रही हूँ, अपने आप को पाके, अपने अंदर की महिला को खुद की कोख में इतने साल तक रख के, खुद से जन्म दे के, सेक्स चेंज सर्जरी जैसी प्रसव पीड़ा को सहते हुए अब जो मैंने संजना साइमन को जन्म दिया है, तो संजना साइमन के साथ मैं बहुत खुश हूँ। संजना साइमन के बारे में बात बताना चाहूँगी कि संजना साइमन बहुत भावुक है। मैं छोटी छोटी बातों पर रो देती हूँ, मुझे छोटी छोटी बातें खुश कर जाती हैं। मुझे बड़े बड़े महल नहीं चाहिए, मुझे बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं चाहिए, बड़े बड़े होटल्स में खाना खाना पसंद नहीं है, बहुत महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद नहीं है। मुझे पसंद है अपने दोस्तों के साथ खुली छत में कुछ अच्छा सा गेट टुगेदर करना, घर में कुछ अच्छा सा पकवान या कुछ अच्छा सा बना के खा पी लेना। जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ उसके साथ एक लॉन्ग ड्राइव पे जाना, उसके कंधे पे सर रख के बहुत रात तक तारों को देखते हुए उससे बातें करना, उसके साथ अपनी ज़िंदगी के दुख दर्द, अपनी ज़िंदगी की खुशियों को शेयर करना। संजना साइमन वो है जो अपनी माँ से बेहद मोहब्बत करती है, जो अपनी माँ के बिना बिल्कुल अधूरी है। अगर उसकी माँ नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। अपनी माँ को लेके मैं इतनी सेंसिटिव हूँ कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ उनको, अपना एंजल मानती हूँ, वो मेरी एंजल गार्जियन है। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं पहले चली जाऊँ इस दुनिया से और मेरी मम्मी को मेरी भी उम्र मिल जाए। मेरी माँ हमेशा मेरे साथ रहे, अपनी माँ का हाथ मैं हमेशा अपने सर पे देखना चाहती हूँ, मुझे अपनी माँ से बहुत मोहब्बत है। संजना साइमन वो है जो कि
अपने दोनों भाइयों से बेइंतहा प्यार करती है। मेरे दोनों भाई जैसे कि मेरा राइट और लेफ्ट हैंड है। मैं अपने दोनों भाइयों के बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती, क्योंकि हम तीनों जनों ने बचपन साथ गुजारा है। हमने साथ में खेला है, साथ में नहाते थे, साथ में फंक्शंस में जाया करते थे, साथ में क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, लूडो, अंताक्षरी, कैरम, चंगा पॉ, ऐसे बहुत सारे गेम्स थे जो हम लोग तीनों साथ में खेला करते थे। और एक मेरे पापा जी हो जाया करते थे, तो हम चार जने, हमें कभी किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं अपने भाइयों से बेइंतहा प्यार करती हूँ, उनकी धर्म पत्नियों से, उनके बच्चों से मैं बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मेरा संसार है वो। मैं अपने जीवन के आने वाले वो पल जबकि मैं वृद्ध हो जाऊँगी, ओल्ड एज में आ जाऊँगी, ओल्ड हो जाऊँगी, तो मैं चाहूंगी कि मैं अपने परिवार के साथ, अपने भाई भतीजों के साथ में अपने जीवन के सुखद अनुभव उनसे शेयर करूं और बहुत अच्छी ज़िंदगी उनके साथ में जीऊं। संजना साहिब, मैं अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। मेरे पिता दुनिया में नहीं है। मेरे पिता थोड़े गुस्से के तेज थे, लेकिन वो गुस्सा करते थे तभी उनके डर से हम पढ़ते थे। पापा ने पढ़ाई लिखाई का गहना दे दिया जिसने मेरे व्यक्तित्व को खूबसूरत बनाया। पापा जहाँ कहीं भी हैं मैं उनको यहीं से नमन करती हूँ। संजना साइमन की ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आए जिसने संजना साइमन को प्यार किया, संजना साइमन के अंदर की औरत को मोहब्बत करी, उसको प्यार किया, उसको समझा। इन लोगों में कुछ नाम ऐसे हैं जो कि मैं हमेशा याद रखती हूँ, मैं जिन्हें कभी नहीं भूल सकती। पुरानी यादों में ना जाते हुए डॉक्टर साहब का धन्यवाद करूंगी, डॉक्टर नितिन केरवाल का, जो मेरे जीवन में है और एक बहुत ही मजबूत रिश्ते के साथ में हम दोनों आगे बढ़ रहे हैं। मुझे नहीं पता भविष्य में क्या हमारे रिश्ते को कोई ठोस मोहर लग पाएगी, लेकिन हम जब तक साथ हैं हम बहुत खुश हैं। मैं आपके साथ में खुश रहना चाहती हूँ नितिन जी, ज़िंदगी भर। संजना आपके साथ रहना चाहती है। संजना साइमन की लाइफ में बहुत खूबसूरत दोस्त आए हैं, जैसे कि सोनिया पांडे, जैसे कि संजना एक और हैं, खैर राजस्थान में रहती हैं, किन्नर कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं। अमृता मुंबई में रहती हैं। एक मेरे फ्रेंड है रज़िया जो कि बरेली में है। जूबी, आशीष, साहिल, योगेश्वरी, ये सब मेरी फ्रेंड्स हैं जो कि मुझे बहुत मोहब्बत करती हैं, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। इन सब के बीच में एक नाम आता है मोहिनी का, जिसको मैं अपनी सोल सिस्टर बोलती हूँ शुरू से। बहुत प्यारी है और मैं उसको बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ डियर सिस्टर्स कि हमारे जीवन में कठिन काम, कठिन मोमेंट्स आते हैं, लेकिन हम उन कठिन मोमेंट्स में सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में अगर आगे बढ़ते हैं, एक सोची समझी रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। मैं जब बरेली छोड़ के दिल्ली शिफ्ट हुई थी, तो दिल्ली में मैं किसी को नहीं जानती थी सिवाय मेरी एक कज़िन को, जिसका नाम शिफा है, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था। एक वो मेरी बहन है जिसको मैं जानती थी और उसने मेरा बहुत साथ दिया, मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। शिफा के बिना मेरा दिल्ली में कोई था नहीं, लेकिन क्योंकि मेरे कर्म सात्विक थे और मैं ईश्वर में बहुत श्रद्धा रखती थी, तो मुझे दिल्ली में ही बहुत खूबसूरत लोग मिले, जैसे कि मलाइका गुरु मिली जो कि किन्नर कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं। और मुझे कोई भी परेशानी नहीं है सार्वजनिक मंच पे इस बात को बोलने की कि उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। आज संजना साइमन अगर अपने जीवन को जी रही हैं, तो इसमें मलाइका गुरु माँ का बहुत बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मुझे फाइनेंशियली बहुत हेल्प करी है और उनके डेरे के सभी लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया, बहुत प्यार किया। मेरे भाई राज, मेरे भाई नितिन, दोनों ने मुझे बहुत साथ दिया, बहुत संभाला, बहुत सहारा दिया। मेरी फ्रेंड शुभी ने मुझे बहुत उस समय हेल्प करी जब मैं बहुत क्रिटिकल अवस्था में थी। डॉक्टर नितिन केरवाल के माता पिता ने मेरा बहुत सहयोग दिया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बरेली के अपने समस्त दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, अपने घर परिवार, अपने खानदान के समस्त लोगों को धन्यवाद। और विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जब मैं 12 साल बिशप कॉन्राड स्कूल में पढ़ा रही थी, तो मेरे साथ मेरे बहुत स्टूडेंट्स जुड़े जो आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लाइबा, वरीशा, शैजल, सना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैं अभी सर सार्वजनिक मंच पे नाम भी नहीं ले पाऊंगी इतने लोगों का। आप सब लोग मुझे प्यार करते हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
एक बात जरूर कहना चाहूंगी अपनी सभी बहनों को कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और जिंदगी एक बार मिली है। इस जिंदगी को बर्बाद नहीं करना है, बल्कि जिंदगी में कुछ अच्छा करना है। अगर सेक्स चेंज सर्जरी करवाना ही आपकी मजबूरी है और आपका एक सपना है, तो कोशिश करिएगा कि जैसे इमारत से पहले फाउंडेशन तैयार की जाती है, ऐसे ही अपनी सर्जरी से पहले आप लोग फाउंडेशन तैयार करें। पढ़ाई की फाउंडेशन, तालीम की फाउंडेशन, अच्छे हुनर को हाथ में लेने की फाउंडेशन। अपने माता पिता का कभी दिल मत दुखाइएगा, क्योंकि इमारत कितनी भी ऊंची चली जाए, अगर उसकी नींव कमज़ोर है तो वो हमेशा ढह जाएगी। माँ बाप के आंसू कभी मत लेना। 30+ मैंने सर्जरी करवाई और आज मैं ऐसी आपके सामने बैठी हूँ, और बहुत मेकअप भी नहीं करा है, बहुत नेचुरल सा लुक है, उसके बावजूद मैं आपके सामने बैठी हूँ। और देखिए कि मैं कैसी हूँ। जब मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद, घर गृहस्थी के सारे काम पूरे करने के बाद, 12 साल स्कूल में पढ़ाने के बाद, अच्छे खासा पैसा जमा करने के बाद ही सर्जरी करवाई, और आज मैं इस तरीके से आपके सामने बैठी हूँ, तो बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिए, चीज़ों को समझिए। ये बहुत आसान चीज़ नहीं है, सारे समाज से और अपने परिवार से बगावत करके अपने जेंडर को चेंज करवाना और फिर वहाँ पे सक्सेसफुली इस्टेब्लिश्ड हो जाना। सेक्स चेंज सर्जरी अस्पतालों में रोज हो रही है, लेकिन बहुत कम सोनिया पांडे या संजना साइमन आपको ऐसे बात करती हुई दिखेंगे। वजह है हमारा स्ट्रांग बैकग्राउंड और हमारे माता पिता का आशीर्वाद हम पे। तो अगर आपको आप चाहते हैं कि जीवन में आपको लोग तारीफ करें, आपकी इज्जत करें, आपको अपना रोल मॉडल बनाए, तो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके आगे बढ़िए और अपनी तालीम को मुकम्मल कर लीजिए। इन्हीं सब शब्दों के साथ में मैं अपने वीडियो को विराम दूंगी। आज छोटी सी वीडियो बनाई है, सिर्फ आप लोगों को ये शेयर करना था कि आज मेरा बर्थडे है और मैं बहुत खुश हूँ, और आज के दिन मैं उन सब लोगों को याद करती हूँ जो मेरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी तरीके से मेरी ज़िंदगी में आए हैं और मेरी ज़िंदगी को बहुत खुश कर गए हैं। तो उन सभी लोगों का मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे यूट्यूब के सभी प्रशंसक, आप लोग मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, देखिए गलत बात है, मैं आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ तो आपका भी तो फ़र्ज बनता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका कुछ नहीं जाएगा। अभी फिंगर को ऐसे ऊपर कीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। ये संजना साइमन को आपकी तरफ से बर्थडे का गिफ्ट होगा, तो मुझे मेरा गिफ्ट देना मत भूलिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे बर्थडे की शुभकामनाएं ज़रूर दीजिएगा। मैं एक एक शुभकामना को पढ़ूंगी और एक एक मैसेज का जवाब भी दूंगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। अपना आपको आज का ड्रेस सिखा देती हूँ। ये बहुत खूबसूरत सा सूट पहना है मैंने, जो कि मैंने मतलब ये मुस्लिम स्टाइल का सूट है, जो कि मैंने पैंट सिलवाई है इसके साथ में और पहना है, और कलर बहुत खूबसूरत है, पीच कलर है, और मैंने इसके साथ में ये हैवी झुमके पहने हैं, झुमका गर्ल तो मैं हुई, बहुत प्यारी सी चूड़ियाँ पहनी हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है, और ये मेरे मम्मा के गोल्ड के कड़े हैं, मेरी मम्मा का आशीर्वाद मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। रिंग्स वही पहनी है जो कि मैं हमेशा पहनती हूँ, गले में चेन वही है जो मैं हमेशा पहनती हूँ। इसका गला थोड़ा सा डीप है, मैं ज़्यादा डीप नहीं पहनती हूँ, हल्का सा डीप गला है इसका, और देखिएगा कैसा लग रहा है मेरा सूट, मेरा आज का लुक। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। तो दिस इज माई टूडेज लुक, आप देख सकते हैं, और पैंट पहनी है इसके साथ में मैंने, थोड़ी लूज पैंट पहनी है, और इसको साइड से भी हम वेयर कर सकते हैं। इसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत है, और सूट भी बहुत सुंदर है। शायद वीडियो में इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन सामने से कलर बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा है। मैं इसको बहुत सो डियर फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा सूट, कैसा लगा मेरा अटायर जरूर बताइएगा, मैं कैसी लग रही हूँ जरूर बताइएगा, और मैं आज शाम का भी वीडियो जरूर से अपलोड करूँगी, तो आप लोग देख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा सूट और मेरी शाम की ड्रेस। सो डियर फ्रेंड्स,
आज मेरा बर्थडे है, मुझे विश कीजिए, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, और किसी के मन में का कोई बुरे बुरे कमेंट्स भी है तो वो भी कर सकता है, जैसे आपकी मर्जी। और मैं अब वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। अपने ऑफिस आई थी आज विशेष सब लोगों को मिठाई खिलाने के लिए, सब लोगों के लिए मिठाई लेके आई थी। और शाम को आज मैं बहुत ही अच्छी सी पार्टी सेलिब्रेट कर रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ में, और आप लोगों को भी वो मीठा करवा देती हूँ यहीं से, कि काजू बर्फी है, मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट है। तो आप लोगों को भी यहीं से वो मीठा करा रही हूँ सब लोगों को। आप सब लोग खुश रहे और प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा आप लोग की फ्रेंड संजना साइमन एक बार फिर आप लोग के साथ है। जय हिंद, धन्यवाद, हैप्पी बर्थडे टू मी, बाय, नमस्कार।